Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope सब लोग ठीक ठाक होंगे और उनके exams भी अच्छे जा रहे होंगे. आपका पहला paper जो है वो गुजर चुका है, अब आपके दूसरे paper का time आ गया है जो कि है mathematics का paper. Maths का जो है वो science group वालों का है और general mathematics का paper जो है वो arts group वाले students का है. इन दोनों के लिए मैं detail video already बना चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके पहले देख ले. आज मैं आप लोगों को साइंस ग्रुप के 10th क्लास की मैथ्स की इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस बताने वाली हूँ. ये 15 डेफिनेशंस हैं, ये आपने लाजमी तैयार करके जाने हैं, इनमें से पूछी जाएंगी आप लोगों से. इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, बुक के एंड में हैं, चैप्टर्स के बीच में हैं, एक्सरसाइजेस के दरमियान में हैं, तो आपके पास टाइम इतना शॉर्ट है. मैथ्स में उन्होंने एक ही छुट्टी दी आपको, तो अपनी छुट्टी को वेस्ट ना करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें. जो मैं बताऊं उसको कोशिश करें कि कर लें, क्योंकि 100% चांसेस हैं कि इनमें से आएगा ही आएगा. इस प्रिपरेशन को कहते हैं ना कि लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे प्रिपरेशन है. ये वही प्रिपरेशन हमारे साथ आप लोग करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे. तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस है जो आप लोगों ने हर हाल में पढ़ के जानी है, वो है आपकी स्क्रीन पे. तो जैसे सबसे पहले आप लोगों ने टेंजेंट और लेंथ ऑफ अ टेंजेंट की डेफिनेशन लाजमी पढ़ के जानी है. उसके बाद है सीकेंट की डेफिनेशन, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जानी है. फिर नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है. उसके बाद है रेसिप्रोकल इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन. उसके बाद है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली भी देखा जाए तो काफी दफा पूछी जा चुकी है. उसके बाद है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन भी आप लोगों ने एक दफा लाजमी पढ़ के जानी है, आपको बुक के एंड में भी मिल जाएगी और चैप्टर्स के बीच में से भी मिल जाएगी. मोड एंड मीडियन की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड की भी पूछ सकते हैं, मीडियन की भी पूछ सकते हैं, ये आपने लाजमी पढ़ के जानी है. उसके बाद है रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन की डेफिनेशन भी आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है. उसके बाद है कोलीनियर पॉइंट, वॉट इज कोलीनियर पॉइंट और डिफाइन कोलीनियर पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने एक दफा लाजमी देख लेनी है. उसके बाद है सेंट्रल एंगल, फिर है कोड, डिफाइन कोड, ये भी आप लोगों ने लाजमी पढ़ के जाना है. उसके बाद है रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. उसके बाद एक सेट की डेफिनेशन है विद एग्जांपल्स, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ के जानी है. उसके बाद जो लास्ट आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है वो है मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ये दोनों डेफिनेशंस भी आप लोगों ने लाजमी स्टडी कर लेनी है. तो डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट तरीन बताई हैं, ये 15 से 14 डेफिनेशंस है जो आपने लाजमी पढ़ने लिए. डेफिनेशंस का तरीका क्या है, 2 मार्क्स की अगर डेफिनेशन होती है तो उसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखनी होती है, उसके साथ एक आधी एग्जाम्पल देनी होती है, और अगर किसी के साथ छोटी मोटी डायग्राम है जैसे हिस्टोग्राम के साथ है तो वो आप लोगों ने ऐड कर देनी होती है. ये अब आपका SLO बेस्ड पेपर है तो उन्होंने आपके नॉलेज को ही देखना है, उन्होंने रट्टा नहीं देखना. तो ये सब चीजें आप लोगों ने ऐड करके अच्छे तरीके से इन 15 डेफिनेशंस को स्टडी कर लेना है, और मैं दुआ जरूर करूंगी कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, और अल्लाह ताला सबके पेपर्स बहुत अच्छे करे. जनरल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जिनका साइंस ग्रुप के साथ पेपर है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी बहुत कामयाबियां दे. उनके लिए मैंने वीडियो बनाई भी है, वो देख सकते हैं जाके, नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा. बाकी मैथ्स के मैंने शॉर्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, लॉन्ग बता दिए हैं, डेफिनेशंस भी बता दिए हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी अनकरीब जल्द ही मैं फुल पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग एक दिन पहले पेपर के दिन पहले इस फुल पेपर को सॉल्व करके अपनी तैयारी आराम से चेक कर सकें. वीडियो पसंद आया तो थम्स अप करना मत भूलिएगा. मैं बहुत सारी दुआएं कर रही हूं तमाम से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी पेपर दे रही है, तो मेरी कोशिश है कि सब मेरे छोटे बहन भाइयों जैसे हो आप लोग, आप सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे. मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़.